अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से हर महीने 40 से 50,000 रुपए कमाना चाहते हो, डेली बेसिस पे अर्निंग करना चाहते हो, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। अगर आपकी अभी तक अर्निंग नहीं हुई है तो इस वीडियो को देखने के बाद, इसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उसको फॉलो करने के बाद आपकी 101% अर्निंग होगी, ये हमारी गारंटी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ट्रेनिंग सीरीज आपको डे 1 से लेकर डे 14 तक कंप्लीट देखनी है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस ट्रेनिंग सीरीज को अगर आप दोबारा देखते हो तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या काम करना है। ओके, इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, मतलब आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिजनेस के लिए रेडी करना है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इंस्टाग्राम प्रोफाइल का ही होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। मान लो आज आपने बिजनेस ज्वाइन किया है तो अब से आपको क्या क्या काम करना है ये समझ लो। स्टेप 1 ये है कि इस ट्रेनिंग सीरीज को कंप्लीट देखना है ताकि आपको काम क्या करना है, कैसे करना है, ये प्रॉपर समझ आ जाए। उसके बाद स्टेप 2 ये है कि आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन शुरू करना है। इसमें आपको यूजर नेम, प्रोफाइल फोटो, बायो और हाइलाइट्स ये आपको बना लेना है और कंटेंट क्रिएशन आपको रेगुलर करना है। लेकिन पहले आप यूजर नेम सेट करो, प्रोफाइल फोटो लगाओ, बायो और हाईलाइट सेट करो। इतना ही काम आपको स्टेप 2 में करना है। कंटेंट क्रिएशन रेगुलर होता है ये आपको नहीं करना है। ओके, सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि आपको यूजर नेम सेट करना है, प्रोफाइल फोटो लगाओ, बायो और हाईलाइट सेट करना है। ओके, अगर आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन डिटेल में जानना है तो आपको डे 5 देखना है, उसमें कंप्लीट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सिखाया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डे 5 देख लेना। अभी आपने ये समझ लिया कि काम शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, मतलब जैसे ही आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये हमने अभी सीख लिया। इसके बाद देखते हैं कि डेली बेसिस पे आपको क्या काम करना है। डेली एक्शन प्लान मतलब इसमें आपको ये समझ आएगा कि हर रोज आपको क्या क्या काम करना है। अभी हम आपको एक चार्ट देने वाले, इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो और आपकी अर्निंग भी होगी। तो चलिए देखते हैं डेली एक्शन प्लान। सबसे पहले आपको सुबह उठने के बाद स्टेटस और स्टोरी रखनी है। जो भी आप स्टोरी लगाओगे वही आपको स्टेटस पे रखना है। ओके, डेली आपको 5-6 स्टेटस लगाने और हर एक स्टेटस के बीच में 2-3 घंटे का गैप रखना है। ओके, स्टेटस स्टोरीज पे क्या लगाना है, कैसे एडिट करना है, इसके लिए आपको डे 6 पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है। स्टेटस स्टोरी लगाने के बाद आपको डेली खुद की एक रील अपलोड करनी है, चाहे वो एक्शन रील हो या फिर ओन वॉइस रील हो, कंपलसरी आपको एक रील अपलोड करनी है और वो भी खुद के चेहरे के साथ। दूसरों की रील्स आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, बस आपका टाइम वेस्ट होगा। और रील्स किस तरह से बनानी है और उसके आइडियाज आपको कहाँ से मिलेंगे ये आपको डे 6 पार्ट 1 में प्रॉपर सिखाया है, वहाँ पे आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद आपको डेली लीड जनरेशन करना है। लीड जनरेशन के 2 तरीके हमने सीखा है, एक है इंस्टाग्राम रील्स और दूसरा है व्हाट्सएप। ये दोनों तरीके यूज करके आप डेली बेसिस पे लीड्स जनरेट कर सकते हो। हर दिन एक रील तो आपको अपलोड करनी है, इससे भी आपको बहुत अच्छी लीड्स आने वाली है और व्हाट्सएप से भी आपको लीड्स जनरेट करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास लीड्स होगी उतनी ज्यादा अर्निंग आप कर सकते हो। इसके लिए डे 7 पार्ट 1 और पार्ट 2 कम्प्लीट आप लोग देख सकते हो। ओके, उसके बाद जो लीड्स आएगी उन्हें इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे लेना है, नंबर सेव करवाना है, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है और ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। हर एक लीड के लिए यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, नंबर सेव करवा लो, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओ, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो, सिंपल। इसके लिए आप लोग डे 8 कंप्लीट देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद जिस लीड का आपको रिप्लाई आएगा उनसे कॉल पे बात करो और डाउट्स क्लियर करो। कॉल पे बात कैसे करनी है इसके लिए डे 9 देख लेना। ये होने के बाद हर 2 दिन में आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज करना है, जिससे लीड का फॉलोअप होता रहेगा, राइट। ब्रॉडकास्ट से फॉलोअप आपको सिर्फ 2 दिन में एक बार करना है, डेली नहीं करना है। ओके, ये ध्यान में रखो। और ब्रॉडकास्ट में कैसे मैसेज करना है ये आपको डे 11 में एकदम अच्छे से सिखाया है, वो वीडियो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और सबसे लास्ट में ब्रॉडकास्ट से रिप्लाई आने के बाद लीड्स के डाउट सॉल्व करो और उन्हें क्लोज कर दो। इतना ही काम आपको डेली बेसिस पे करना है। हर दिन ये एक्शन प्लान आपको फॉलो करना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। तो जो लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग तो देख ली लेकिन अब आगे क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा, तो उन लोगों के लिए खास ये वीडियो बनाया है ताकि उनको भी समझ आए कि एग्जैक्टली क्या काम करना है।
तो सबसे पहले आप लोगों को प्री एक्शन प्लान फॉलो करना है एंड देन डेली एक्शन प्लान रेगुलर बेसिस पे फॉलो करके रहना है। डेली एक्शन प्लान आपको तब तक फॉलो करके रहना है जब तक आप बिजनेस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन तक आपने फॉलो किया और बाद में छोड़ दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। डेली एक्शन प्लान आपको फॉलो करते रहना है। 30 दिन बाद आपको अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, तो बस कंसिस्टेंट रहो, काम करते रहो, आपकी 100% ग्रोथ होगी। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से हर महीने 40,000 से 50,000 रुपए कमाना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि आप इतना इतना काम करोगे और आपके पास इतना पैसा आएगा, राइट? तो चलो देखते हैं कि अगर आपको हर महीने 40,000 से 50,000 कमाना है तो आपको कितना काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम मिलाट्रैक कंपनी के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम मिलाट्रैक में वर्क करते हैं। आप जिस भी कंपनी में हो उस हिसाब से आप लोग रिलेट कर लेना, ओके? देखो, मिलाट्रैक कंपनी में सबसे छोटा पैकेज है पर्सनल ब्रांडिंग और उसकी प्राइस है 599 रुपीज़, जिसमें 400 रुपये का कमीशन मिलता है। तो अगर ये पैकेज आप लोग 120 लोगों को सेल करोगे तो आप कमाओगे 48,000 रुपये। और ये महीने का टारगेट पकड़ के चलो, मतलब एक महीने में अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग पैकेज की 120 सेल्स करोगे तो आपका कमीशन 48,000 रुपये बन जाएगा। और ये बात ध्यान में रखो कि अगर आप डेली 100 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा रहे हो तो उसमें से 6-7 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर लेना कि आपको कितने लीड्स चाहिए जिसे आप डेली बहुत सारी क्लोजिंग कर सको। और ये हर किसी के हिसाब से चेंज हो सकता है। जितने बढ़िया तरीके से आप काम करोगे उतना आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ओके? इसके बाद है सॉफ्ट स्किल्स मास्टरी पैकेज, जिसका प्राइस है 1,299 रुपीज़ और कमीशन है 850 रुपीज़। यह पैकेज अगर आप एक महीने में 60 लोगों को सेल करोगे तो आप कमाओगे 51,000 रुपये एक महीने के अंदर। सेम इसी तरह अगर आप डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी पैकेज सिर्फ 30 लोगों को सेल करोगे तो आप एक महीने के अंदर 51,000 रुपये कमा लोगे। उसी तरह अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी पैकेज सिर्फ 17 लोगों को सेल करोगे तो आप कमाओगे 51,000 रुपये। उसी तरह फाइनेंस मास्टरी सिर्फ 8 लोगों को अगर आप सेल करोगे तो आप एक महीने के अंदर 48,000 रुपये कमा लोगे। और डेटा साइंस पैकेज का भी वही है, सिर्फ 5 लोगों को सेल करोगे तो आप कमाओगे 45,000 रुपये एक महीने के अंदर। तो आप खुद ही सोचो कि जितना बड़ा पैकेज आप लोग सेल करोगे उतना कम टाइम आपको लगने वाला है पैसे कमाने में और मेहनत भी आपकी कम लगने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप 40,000 से 50,000 हर महीने कमाना चाहते हो तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग पैकेज को 120 लोगों को सेल करना पड़ेगा। और सेम वैसे ही अगर आप डेटा साइंस पैकेज एक महीने में सिर्फ 5 लोगों को सेल करोगे तो आसानी से 40,000 से 50,000 कमा लोगे। तो अगर आप हर महीने 40,000 से 50,000 कमाना चाहते हो तो आपको हर दिन 50 लीड्स को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना पड़ेगा। अगर आप डेली 50 लीड्स को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओगे तो एक महीने में आप 1,500 लोगों को वीडियो दिखाओगे। और खुद ही सोचो कि आप 1,500 लोगों में से सिर्फ 5 लोग डेटा साइंस पैकेज नहीं ले सकते, 100% ले सकते, एकदम आसान है। बस आप लोग प्लानिंग के हिसाब से चलोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। लेकिन ये सब हासिल करने के लिए आपको बिना रिजल्ट की चिंता करे कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको डेली क्या काम करना है ये इसी वीडियो में बताए, इसीलिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से जरूर दें। और सबसे पहले आपको प्री एक्शन प्लान फॉलो करना है। और जब आप प्री एक्शन प्लान में जैसा बताया वैसा फॉलो करोगे, उसके बाद आपको डेली एक्शन प्लान रेगुलर करते रहना है और उसमें जैसा बताया है वैसा आपको डेली काम करते रहना है। तो अगर आपको डेली पैसे कमाने हैं तो आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, ऑलराइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में डेली क्या काम करना है और हर महीने के 40,000 से 50,000 रुपये कैसे कमाने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स लर्न विद हेल्पिंग ब्रदर्स।